खबर आपको देखिए, आईजी पंजाब डॉक्टर सैयद कलीम इमाम ने किसी दबाव पर नहीं बल्कि वाकये के मुतालिक गलत बयानी पर डीपीओ पाकपतन का तबादला किया। गलत बयानी, ट्रांसफर ऑर्डर को गलत रंग देने और सोशल मीडिया पर वायरल करने पर आईजी पंजाब ने रिजवान उमर गोंदल के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। आपको बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर सैयद कलीम इमाम ने किसी दबाव पर नहीं बल्कि वाकये के मुतालिक गलत बयानी पर डीपीओ पाकपतन का तबादला किया है। गलत बयानी, ट्रांसफर ऑर्डर को गलत रंग देने और सोशल मीडिया पर वायरल करने पर आईजी पंजाब ने रिजवान उमर गोंदल के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है। इस पर बात करेंगे मुजाहिद शेख से। मुजाहिद कहेगा, नया पिंडोरा बॉक्स खिल गया है। बिल्कुल आमना, जिस तरह आपने कहा कि जो आईजी पंजाब ने नई इंक्वायरी का हुक्म दिया है, उसका कुछ मामला ये है कि कल रात इनका जो सबका डीपीओ पाकपतन थे उनका तबादला हुआ और उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। आज सुबह उन्होंने इस मामले को खुद उछाला। ये इल्जाम जो है वो सीपीओ ऑफिस की जानिब से लगाया गया है डीपीओ रिजवान उमर गोंदल के ऊपर कि उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल किया और खुद को मासूम जाहिर करने के लिए और पंजाब पुलिस की जो एक काम है उसको खराब करने के लिए जो है इस मामले को मीडिया का सहारा लिया। तो इस पे आईजी पंजाब कलीम इमाम ने तफसीलात शेयर कर रहे थे। मुजाहिद शेख, शुक्रिया आपका।